न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। देश में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। दूसरी लहर में कोरोना से ठीक होने वालों को ब्लैक फंगस तेजी से अपना शिकार बना रहा है, और इस बीच एक चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आ रही है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कोरोना के इलाज के दौरान दवाइयों और सप्लीमेंट्स का ओवरडोज भी ब्लैक फंगस की बड़ी वजह बन रहा है। कौन सी दवाइयां और सप्लीमेंट्स कितना लें, ज्यादा लेने पर क्या खतरा हो सकता है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद होगा एक्सपर्ट्स का, जिसमें फिजिशियन होंगे, आयुर्वेद के डॉक्टर होंगे और साथ ही होम्योपैथी के डॉक्टर भी मौजूद होंगे, जो इलाज के ओवरडोज को लेकर हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने कोहराम मचा दिया है। देश भर में अब तक ब्लैक फंगस के 9000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। शहर शहर ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है, और ये काला फंगस तेजी से फैलता जा रहा है। देश में ब्लैक फंगस के कहर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के 15 राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। जिन राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित हुई है, उनमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा, बिहार, चंडीगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ शामिल। कोरोना की अभी तक कोई कारगर दवा नहीं है। वायरस से बचने के लिए लोग इन दिनों तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। विटामिन सप्लीमेंट से लेकर एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड तक घर पर ही ले रहे हैं, और कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को अब ये ब्लैक फंगस तेजी से शिकार बना रहा है। ऐसे लोगों को जिनमें इम्यूनिटी कम है, ब्लैक फंगस के मामले उन लोगों में ज्यादा दिख रहे हैं जिन्हें डायबिटीज और जिनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता। कोरोना के इलाज में बड़े पैमाने पर स्टेरॉइड का इस्तेमाल हो रहा है। डायबिटीज के मरीज अब स्टेरॉइड लेते हैं तो उनका शुगर लेवल अनियंत्रित हो जाता है। ऐसे में स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। यूपी में ब्लैक फंगस के ज्यादातर केस उन लोगों में सामने आए हैं जो घर पर ही कोरोना का इलाज करा रहे थे। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज्यादा मात्रा में जिंक सप्लीमेंट का सेवन भी ब्लैक फंगस का कारण बन सकता है। तो क्या घर पर इलाज और इलाज के दौरान ज्यादा सप्लीमेंट और स्टेरॉइड के इस्तेमाल की वजह से ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है? इस वक्त माहौल ऐसा है कि लोग बिना डॉक्टरी सलाह के भी दवा लेने से नहीं हिचक रहे हैं। घर पर इलाज को लेकर भी भारी कंफ्यूजन है। कोई दिन में 4-5 बार काढ़ा पी रहा है तो कोई जरूरत से ज्यादा भाप ले रहा है। ब्लैक फंगस की वजह की जांच में जुटे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोरोना के इलाज का ये ओवरडोज भी ब्लैक फंगस को न्योता दे रहा है। टीम न्यूज नेशन। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो सप्लीमेंट सब ले रहे हैं या फिर घर पर इलाज करवा रहे हैं, कहीं सप्लीमेंट दवाओं का ओवरडोज तो एक बड़ी वजह नहीं बन रहा ब्लैक फंगस का? तीन एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले इनका परिचय आपसे करवाते हैं। डॉक्टर एम वली हैं, सीनियर फिजिशियन। राम कुमार वर्मा है जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं, और साथ ही डॉक्टर आशीष सिंह हमारे साथ जुड़े हैं जो कि होम्योपैथी के एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर एम वली, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। जो इलाज लोग घर पर कर रहे हैं, जो दवाएं इस्तेमाल में आ रही हैं, क्या उन दवाओं की वजह से ब्लैक फंगस तो नहीं हो रहा, कोई साइड रिएक्शन तो नहीं? देखिए, बहुत बड़ा डिस्कशन है, कई दिन से आप लोगों को समझा रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है ये फाइनली इसकी डिस्कस कर रहे हैं। और काढ़ा जो है उसके बारे में वैजी बताएंगे। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा काढ़ा ले रहे हैं, और हम लोगों की जो जिंक है वो कैप्सूल्स ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसके साथ साथ स्टीरॉइड्स ले रहे हैं। तो उसमें यह है कि शुगर जब बढ़ जाती है तो एसिडिक एटमॉस्फेयर हो जाता है बॉडी का, तो वो एसिडिक एटमॉस्फेयर में ये ब्लैक फंगस ग्रो करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा आया है आज खबरों में कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो बहुत रखे हुए थे पुराने स्टोर्स में, वेल्डर्स के यहाँ और बहुत जगहों पर स्टोर्स में ऐसे ही रखे हुए थे अनसुपरवाइज, उनमें ऑक्सीजन भर भर के घरों में सप्लाई की गई है और उनकी कोई हाइजीन नहीं मेंटेन की गई है, तो उससे एक बहुत बड़ी तादाद में ब्लैक फंगस देखने में आया है। और ये वो सिलेंडर्स हैं जो सीरीज में हॉस्पिटल्स में भी जाके लगते हैं। जब कंपनी में सिलेंडर भरने जाता है तो वो उस पर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, तो मेरा सिलेंडर आपके घर चला जाएगा, आपका मेरे घर आ जाएगा, और वो काउंट और साइज उसका मेंटेन करते हैं। तो ये इस तरह से ये सर्कुलेट हो गया है ब्लैक फंगस, और बहुत ज्यादा इस पे शोध की जरूरत है। उन मरीजों का एक
पूरा हिसाब बनाने की जरूरत है जिनको फंगस हुआ है, क्योंकि ये बहुत खराब बीमारी है, डिसफिगरिंग बीमारी है, आंख निकालनी पड़ी है कुछ लोगों की, कुछ लोगों ने जान से हाथ धो बैठे हैं। 54% मॉर्टेलिटी है जैसे हमने परसों डिस्कस किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। और ये जिस तरह से दूसरी दवाओं का भी जो इस्तेमाल है, वेजी बताएंगे, हमने शायद डिस्कस भी किया है, तो ये इस हर चीज की अति का उन्होंने उस दिन दोहा पढ़ा था, हर चीज की अति बुरी है, तो अति किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर अति किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। और देखिए, हमारी कोशिश आज ये है, जो लोग भी इस वक्त न्यूज़ देशन देख रहे हैं, हमारी कोशिश दरअसल ये है कि जो घर पर आप दवाएं इस्तेमाल करते हैं, बिना डॉक्टरी सलाह के दवाएं लेते हैं, या फिर कई सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स जो मार्केट में हैं, आप उनका बिना किसी सलाह के इस्तेमाल करते हैं, कहीं उनका ओवरडोज तो आपके लिए खतरनाक नहीं बन रहा। डॉक्टर आशीष काम करते हैं। डॉक्टर आशीष, होम्योपैथी में कई सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, क्या उन्हें बिना किसी सलाह के ले लेना सीधे वो ठीक है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट बेस्ड है वो इंडिविजुअलाइजेशन पर बेस्ड है, मतलब आपकी दवा किसी और के भी काम नहीं आ सकती और किसी और की दवा किसी और को काम नहीं आएगी। आपका कैसा केस है, कैसे सिम्टम्स हैं, क्या परेशानियां हैं, कैसी हिस्ट्री रही है आपकी अभी तक बीमारियों के साथ, ये सब जाँच लेने के बाद ही किसी दवा का चयन करा जा सकता है। तो हमको ये समझना जरूरी है कि हर पेशेंट के लिए एक दवाई काम नहीं करेगी। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे कोई वायरल मैसेज हो गया, लोगों ने उस दवाई के देना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स अगर आप ओवरडोजिंग करेंगे होम्योपैथी को भी, तो उसके भी साइड इफेक्ट्स आएंगे आपको। तो बेहतर ये है कि अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से ही आप सलाह लें, कोई भी दवाई आपको खाना है, किस तरह के डोजेज हैं, कैसे रिपीट होगा, किस पावर में लेना है, उनको बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है ब्लैक फंगस को लेकर कि लोग इसमें बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इसमें फिर से वो दवाओं की तरफ जो हम गलतियां पहले करते आ रहे हैं, अभी भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं कि उन्होंने इंटरनेट से या सोशल मीडिया से या व्हाट्सएप पर कहीं पर कोई दवाई वायरल हो गई है, उसको वो फिर से अपना खरीदना शुरू कर रहे हैं। देखिए, ऐसा ना करें, ये वायरल इन्फेक्शन है, घातक है, आपको समझना होगा। अगर आपको कोई कोमॉर्बिलिटी, अगर आप किसी एंटी डिप्रेशन पर हैं, मतलब डॉक्टर आशीष मोटे तौर पर हम बात समझे कि ऐसा कोई इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है होम्योपैथी में कि हम सीधे बिना किसी डॉक्टरी सलाह के सिर्फ मेडिकल स्टोर पर गए, हमने वहां से ले लिया, उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। डॉक्टरी सलाह ले, उसके बाद ही उनका इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद ही उनका इस्तेमाल करें। ठीक है, रामकुमार जी, मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, गिलोय अश्वगंधा ऐसी चीज है जिसका हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, क्या उन्हें बिना किसी सलाह के ले लेना ठीक है? इसकी चर्चा होती रही है, अगर लोग ले रहे हैं तो कितना लें? देखिए, इस विषय पर पहले भी बात हो चुकी है। अभी हमारे होम्योपैथिक चिकित्सक जो हमारे साथ में, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की है कि बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवाई ना ले। अगर आप कोई भी दवाई अपनी मर्जी से लेते हैं, गिलोय बहुत अच्छी चीज है, पहले भी इस विषय पर बात हुई है, लेकिन ओवरडोज तो हर चीज की बुरी है। अश्वगंधा भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर किसी को पहले ही, जैसे अभी अभी हमारे सीनियर डॉक्टर वली साहब ने बताया कि एसिडिक है, किसी की बॉडी एसिडिक है, तो उसको अश्वगंधा की मात्रा बहुत कम मात्रा में दी जाएगी। अगर हमने उसको ज्यादा मात्रा में दी तो अश्वगंधा बहुत देर से पचने वाली औषधि है, ये गरिष्ठ होती है पचने में, तो एसिडिटी और ज्यादा बन जाएगी, यानी उसकी बॉडी और ज्यादा पैथिक हो जाएगी। कहने का मतलब और सार यही है कि अपने आप से कोई भी दवाई ना लें। अपने आप से दवाई लेना जानलेवा हानिकारक हो सकता है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। इसके बारे में पहले भी एक कहावत है कि नीम हकीम खतरा है जान। इसका सीधा साधा मतलब यही है कि जिस विषय में आपको नॉलेज कम हो या ज्ञान कम हो उसको मैं राम कुमार जी सीधे मैं डोजेस पर आ जाता हूं। सर, मैं आप तीनों लोगों से डोजेस को लेकर चर्चा करूंगा। देखिए राम कुमार जी, हर घर में, मैं अपने फ्रेंड सर्किल में भी देखता हूं, लोग गिलोय घनवट्टी इस्तेमाल करते हैं, अश्वगंधा की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल करना ठीक है? और कर रहे हैं तो कितना करें, कितने समय तक करें? अनलिमिटेड तो किया नहीं जा सकता। वही मैं बता रहा हूँ, इसका इस्तेमाल करना ठीक है, बजाय आप बाजार से गिलोय खरीद के लाने के, या तो अपने आप से गिलोय जंगल से या गमले से निकालिए, यानी हाइजेनिक होनी चाहिए, या फिर बनी बनाई किसी भी ब्रांडेड कंपनी की गिलोय घनवट्टी लीजिए। वयस्कों के लिए एक एक गिलोय घनवट्टी पूरे दिन में दो गोली बहुत है। वयस्कों के लिए एक एक अश्वगंधा के कैप्सूल बहुत सारी कंपनियां बना रही है, एक एक कैप्सूल वयस्कों के लिए बहुत है। अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो आधी मात्रा में दें, यानी 24 घंटे में केवल एक गोली, और 2 साल से छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी ना दें। ठीक है डॉक्टर एमोली, मैं आपके पास आता हूं। दो तीन चीजें हमने देखा है कि लोग लॉन्ग टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं, जब से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई, विटामिन डी की गोलियां लोगों ने खूब खाई, विटामिन सी तो हर आदमी के बैग में दिखाई देता है सर, जिंक हर आदमी के बैग में दिखाई देता है। इन तीनों चीजों की अगर मैं बातचीत करूं, विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी की गोलियां,
इनका कितने समय तक इस्तेमाल करना चाहिए, कितना डोज होना चाहिए? जी बिल्कुल, ये विटामिन डी बहुत इसमें कारगर है, लेकिन इसको हफ्ते में एक बार 60 के यूनिट्स होते हैं वो लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। विटामिन डी के बारे में मैं एक बात बता दूं, इसको खाली पेट लेना चाहिए, सुबह को लेना चाहिए और नियत कर लेना चाहिए एक हफ्ते से पहले इसको रिपीट ना करें। जो इंजेक्टेबल विटामिन डी होता है उससे टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं सलाह देता हूँ इंजेक्टेबल ना लें, ओरल लें। ओरल में डेली वाले कैप्सूल्स भी आते हैं 6000 यूनिट वाले, और ये 60 के का आता है जो हफ्ते में एक खाया जाता है। वेरी सिंपल है इसकी, और आजकल लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, तो लिक्विड फॉर्म में नैनो विटामिन डी बहुत अच्छा है, उसको एक हफ्ते में एक बार ले लें। इसके अलावा जिंक से जो है बहुत नुकसान हो रहा है, जिंक से गैस्ट्राइटिस, उल्टी होना, और ये जिंक तो ट्रेस एलिमेंट है, हमको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग फल खाते हैं, सब्जी में मशरूम खाते हैं या ब्रोकोली खाते हैं, मटर खाते हैं, दालें खाते हैं, उन सबको जिंक डेली रिक्वायरमेंट मिल जाता है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। आपने जिंक का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं डॉक्टर वली जी, क्या जिंक ज्यादा लेते हैं तो ब्लैक फंगस का खतरा उससे होता है क्या? क्योंकि देखिए तमाम इंटरनेट पर इसकी चर्चा लगातार हो रही है। देखिए वही एसिडिटी वाली बात है, ब्लैक फंगस तो फंगस से होगा, जिंक से नहीं होगा, दिस इज वेरी क्लियर। और ब्लैक फंगस सबको नहीं होगा, उनको होगा जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है। इसी तरह से विटामिन सी रह गया है, विटामिन सी 500 मिलीग्राम नॉर्मल हम ले सकते हैं डेली, चाहे तो 1 ग्राम भी ले सकते हैं अगर ज्यादा है। नहीं, विटामिन सी की जो च्यूएबल टेबलेट्स आती हैं नहीं है कि कोई नुकसान, उनका कितना इस्तेमाल करना चाहिए और कब तक? जी च्यूएबल भी आती है, पानी में घोलने वाली भी आती है, तो उनका डेली रिक्वायरमेंट तो हमारी 75 से 100 मिलीग्राम है, लेकिन हम चूंकि यूरिन में निकल जाता है इसलिए इसकी कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती ज्यादा, तो हम 1 ग्राम से ज्यादा न लें। इसके बहुत से गुण हैं, एंटी कैंसर तक इसको बताया जाता है, और दांतों के लिए अच्छा है, आईज के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, तो ये विटामिन सी एक जनरल है। और मैं कहता हूँ एक नींबू निचोड़ के गिलास में ले लीजिए, सबसे अच्छा है, नेचुरल विटामिन सी लीजिए आप, खट्टे फलों में सब में है, तो विटामिन का ओवरडोजिंग नहीं करना है। और एक चीज मैं वेजी से परामर्श के साथ बताऊंगा, ये दालचीनी जो है काढ़े में बहुत ज्यादा जा रही है, तो इससे लोग आ रहे हैं लीवर डैमेज के, तो इसके लिए भी वेजी बताएंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अनसुपरवाइज्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे लीवर के डॉक्टर्स के पास केसेस आए हैं जिनमें लीवर फंक्शन डिस्टॉर्टेड है, और अमेरिका में एक केस जो है वो लीवर फेलियर का हुआ है सिर्फ पैरासीटामोल खाने से, तो पैरासीटामोल भी ज्यादा नहीं खानी चाहिए। तो ये सब चलिए मैं ये सवाल वैद्य जी से करूंगा, लेकिन एक और दवा को लेकर मैं आपसे आपकी सलाह चाहता हूं, एजिथ्रोमाइसिन का खूब भरपूर इस्तेमाल हुआ है, लोग कई दिनों तक एजिथ्रोमाइसिन, कब लें, कितना लें, साइड इफेक्ट क्या है सर इसका? मैं कहता हूं एजिथ्रोमाइसिन आप बिल्कुल ना लें जब तक कि आपको निमोनिया की शक ना हो, एक्सरे में स्पॉट, सीटी में स्पॉट ना हो। देखिए इसमें जो दवा कारगर है सिर्फ एक दवा आइवरमेक्टिन है जो इससे रोकती है, उसके साथ आप अपना व्यायाम करें, डीप ब्रीदिंग करें, उल्टा लेटें, सांस गहरा लें और शंख बजाएं, बांसुरी बजाएं, अपने लंग को स्ट्रांग रखें, तो ये आपका बहुत कामयाब नुस्खा है। इसके साथ जो दूसरी एंटीबायोटिक ज्यादा यूज हुई है पिछले दिनों वो डॉक्सीसाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन भी यूज हुई है, और भी कई एंटीबायोटिक यूज हुए हैं, तो लेकिन ये एंटीबायोटिक तो आपको केमिस्ट को देना ही नहीं चाहिए अनलेस देयर इज अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन। हमारी ये बड़ी मुसीबत है कि केमिस्ट से लोग दवा ले आते हैं, तो ये सबसे बड़ा जो फॉल्ट हो रहा है, ये केमिस्ट लोग उनको तोबा कर लेनी चाहिए कि हम बगैर प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल दवाई नहीं दें। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, लेकिन एक और सवाल सर आ गया मेरे पास, स्टेरॉइड लेना घर पर खतरनाक है? देखिए स्टेरॉइड कई कंडीशन में अनअवॉइडेबल भी है, लेकिन उसे कितना अवॉइड करना चाहिए, पैरामीटर क्या सेट होना चाहिए? देखिए 5 दिन से पहले स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं देना चाहिए किसी को भी, तो नॉर्मली जो हम लोगों के पास केसेस आते हैं वो 5 से 6 दिन के बाद ही आते हैं पैरासिटामोल वगैरह घर पे खा के, तो उसमें सुपरविजन रखना चाहिए। और स्टेरॉइड के बारे में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि 5 दिन से या 6 दिन से ज्यादा नहीं देना चाहिए। नंबर 1, स्टेरॉइड बहुत बदनाम हो गया है इस फंगस में, और दूसरा इसको ऑप्टिमल डोज में देना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ी सी डोज दे दी वो नहीं काम करेगा। जो स्टडीज हैं उसमें डेक्सामेथासोन यूज हुआ है, लेकिन ज्यादातर दूसरे ब्रांड के स्टेरॉइड यूज हो रहे हैं, तो उसकी ऑप्टिमल डोज में देंगे, 5 दिन देंगे और पेशेंट को मॉनिटर करेंगे शुगर के लिए, खासतौर से ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए पेशेंट को इसमें बहुत जरूरी है मॉनिटर करना। बहुत से लोग डर जाते हैं कि आज शुगर नाश्ते में देखी तो 300 निकली,
तो उनसे ये कहना चाहिए कि 5 दिन बाद जब आपका स्टेरॉयड बंद हो जाएगा तो ये शुगर 6-7 दिन में धीरे धीरे नॉर्मल आ जाएगी। डॉक्टर वाली, एलोपैथी का भरपूर इस्तेमाल हुआ है कोरोना के खिलाफ इस जंग में, और जब दवाओं की चर्चा हो रही है तो लगातार दवाओं का नाम जहन में आता भी जा रहा है। मैं आगे बढ़ना चाह रहा था लेकिन एक और दवा का नाम मुझे याद आ गया, आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन का खूब इस्तेमाल हुआ है, कुछ राज्यों में सरकार ने बाकायदा ये पॉलिसी बनाई कि हर घर तक आइवरमेक्टिन पहुंचाई जाए, तो क्या आइवरमेक्टिन प्रिवेंटिव ड्रग है, और जो उसको लेकर चर्चा हो रही है कि वो वायरस के रेप्लिकेशन को रोकता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आइवरमेक्टिन जो है बहुत पुरानी दवा है और ये कीड़ों को मारने के लिए एंटी लाइस मेडिसिन पिछले उसमें एपिसोड में भी यूज हुई थी, लेकिन इसको 3 दिन ऑप्टिमली देना चाहिए और 3 दिन के बाद इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। हम कभी कभी 5 दिन भी देते हैं इसको, जो सीवियर केसेस होते हैं। ये वायरस की जो एस प्रोटीन होती है उसको सेल के अंदर घुसने में जो एंजाइम मदद करता है उसको एंटागोनाइज करती है, और लंदन में इसकी बाकायदा ब्रिटिश आइवरमेक्टिन सोसाइटी बनाई गई है जो इसके उपयोग को रिकमेंड किया है जिसने। अमेरिका में इसका ज्यादा उपयोग नहीं हुआ था, लेकिन लंदन में, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा इसका कामयाब उपयोग हुआ था, और इंडियन स्टडीज भी हुई हैं इस पे जो कि बहुत कामयाबी के साथ वेस्टर्न कंट्रीज ने देखा है। इसलिए आइवरमेक्टिन इज ए वेरी गुड ड्रग एंड इट शुड बी यूज्ड अंडर सुपरविजन 3 to 5 days, मैक्सिमम 5 days, इससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अब आपने जिस बात का सबसे ज्यादा जिक्र किया, मैं सीधे वैद्य जी के पास चलता हूँ, राम कुमार जी के पास। दो बातें राम कुमार जी, एक तो जो डॉक्टर वली कह रहे थे दालचीनी को लेकर, क्या आपकी सलाह है? बहुत ज्यादा काढ़ा में उसका इस्तेमाल हुआ। और दूसरी बात कि आयुर्वेद को लेकर आमतौर पर धारणा है कि हम ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है, तो लोग भरपूर सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कितना नुकसानदायक हो सकता है अगर हम बिना किसी सलाह के सप्लीमेंट्स लेते हैं? देखिए, मैंने इस बारे में इसी चैनल पर रोहित जी आपके साथ एक प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि हर चीज की बुरी है, और उस दिन में मैंने मात्रा बताई थी कि दालचीनी की मात्रा मैक्सिमम एक चुटकी दिन में 3 बार तक ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी की बॉडी एसिडिक है, किसी का लीवर फैटी है, तो मैंने साथ ही बताया था कि पुनर्नवारक अर्क मकोए का जरूर प्रयोग करें। पुनर्नवा और मकोए दो चीजें ऐसी हैं जो शरीर को डिटॉक्स करती हैं, ये फैटी लीवर में रामबाण की तरह काम करती हैं, और दूसरी बात ऐसी है जो हम सप्लीमेंट फूड ले रहे हैं उनके दुष्प्रभावों को काफी हद तक ये दोनों चीजें कम करती हैं। ठीक है डॉक्टर आशीष, होम्योपैथी में जब से कोरोना आया सबसे पहले जिस दवा का जिक्र हुआ सर, वो आर्सेनिक एल्बम 30 रही, कि वो इम्यूनिटी बूस्ट करती है, अगर आप उसका रेगुलर इंटरवल पर इस्तेमाल करते हैं तो कोरोना या तो हो सकता है कि ना हो, अगर हो जाए तो बहुत माइल्ड सिम्टम होंगे, इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, दो चीजें मैं यहाँ पे दो उसमें डिवाइड करना चाहूंगा। अगर आप हेल्दी हैं, कोई बीमारी नहीं है, आर्सेनिक एल्बम आपके लिए बिल्कुल कारगर दवाई है। आप इसको, मैं डोजेज भी समझा देता हूँ फिर से, मैंने बहुत बार बोला इसी चैनल पर, आपको सुबह खाली पेट लेना है, दो दो बूंदे करके लेना है, 5-5 मिनट के अंतराल से 3 बार, ऐसा 5 दिन के लिए करिए, उसके बाद 30 दिन के बाद फिर से रिपीट कर लीजिए। 5 दिन बहुत है आर्सेनिक एल्बम के लिए। पर अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे आपको लीवर डिजीज है, हार्ट डिजीज है, डायबिटिक है या अन्य कोई भी बीमारी है, तो बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के कोई भी दवाई आपको नहीं लेनी चाहिए, खासकर आर्सेनिक उस कंडीशन में मैं नहीं सजेस्ट करूंगा किसी के लिए भी। और बात ऐसी की तो वो काफी एफिकेसिव है। ठीक है, बीच में एक दवा और आई थी सर, मुझे उसका नाम शायद स्पॉन्जिया टोस्टा दवा, इसका भी लोगों ने काफी इस्तेमाल किया है। देखिए, ऑफ कोर्स स्पॉन्जिया भी इसमें काफी कारगर हमारे लिए, काफी सारे केसेस इससे ठीक हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर केसेस पे काम कर जाएगी। मैं वही समझाना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक दवाइयाँ आपके सिम्टम्स के ऊपर, आपके इंडिविजुलाइजेशन के ऊपर, आपके कैसे सिम्टम्स है, कितने दिन हो गए हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके बिना नहीं चेंज करा जा सकता। हाँ, स्पॉन्जिया भी एक दवाई है, पर मैं फिर से अनुरोध करूंगा आपके चैनल पे कि इसको बिना डॉक्टर की सलाह के ना खाएं। ठीक है, एक और दवा है सर, मेरी आपसे फोन पर भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी, एस्पिडोस परमा है, इस दवा को लेकर यह कहा गया कि ये ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव कर रही है, आप तमाम स्टोर से ये दवा खत्म हो गई। देखिए, ये बिल्कुल जो हुआ था वाकई गलत हुआ था, और मैंने आपको भी शायद फोन पर इस बात के लिए बोला था कि जो दवाई का मैसेज चल रहा है गलत चल रहा है। इसको इस तरह से प्रमोट करा गया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर को रिप्लेस कर देगी, ऑक्सीजन कर देगी, नहीं, ऑक्सीजन जो हमारी हुई है वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, दवाई इन्फ्लेमेशन को कम नहीं करेगी। कुछ केसेस में कारगर है, बट वो बहुत मिनिमल केसेस हैं। अब मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि इसमें ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हमको ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन को ठीक करने के लिए, या जो इन्फेक्शन है उसे कंट्रोल करने के लिए, जो इन्फ्लेमेशन हो गया, जो सूजन आ गई, उसको खत्म करने में काफी सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन एस्पिडोस्पर्मा सिर्फ एक दवाई नहीं है, और ये खासकर उन केसेस में काम आती है जहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाए, ये आपको कार्डियक कोई प्रॉब्लम हो, उसमें आपको सांस लेने में दिक्कत हो, ये खासकर उन केसेस में काम आती है। ठीक है, ठीक है सर। डॉक्टर वली,
भाप लेना बहुत कारगर बताया गया और ये कहा गया कि अगर आप रेगुलर इंटरवल पर स्टीम ले रहे हैं तो आप आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, इसके साथ ही काफी हद तक आप संक्रमण से दूर रह सकते हैं। कितनी बार लें, इस पूरे दावे में कितनी सच्चाई? देखिए, भाप से बहुत लोगों ने अपने गलों को जला लिया है। आपने एक चैनल पे देखा भी होगा, पुलिस स्टेशन में बाकायदा प्रेशर कुकर के अंदर से नलकी निकाल के सब लोगों के भाप लेने का इंतजाम किया गया था। और भी कई जगह ऐसे इनोवेशन हमने किए हैं। तो भाप, देखिए, वायरस का इलाज भाप से कैसे हो जाएगा? सबसे पहली बात तो ये है कि वायरस का इलाज है ही नहीं अभी, इस वाले वायरस का। तो हमारा सबसे अच्छा भाप के बारे में मैं अभी हाँ नहीं कहूंगा, एक आध बार स्टीम लेना तो गलत, लेकिन भाप इसका इलाज नहीं है, ना इससे रोकथाम कर रही है। आपको गले की हाइजीन रखनी है तो गार्गल कीजिए। देखिए, यहाँ जो सबसे अच्छा इलाज है, नहीं मैं बता दूं जो अभी आया नहीं है, इसमें बलगम को पतला करने वाली कुछ दवाएं हैं, अगर हम उनको ले लें तो वो स्टीम जो काम करती है इसलिए बलगम को पतला करने का ये काम करती है। ठीक है, और इसमें बाहर से कोई और चीज ना डालें। ठीक है डॉक्टर वली, वक्त इतना ही है जी, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। रामकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर वली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी उपयोगी सुझाव आपने दिए हैं कि दवाओं का कितना इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, कितना डोज रखना चाहिए, क्योंकि अति किसी चीज़ की बुरी रहती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। खुद से डॉक्टर मत बनिए, डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। वक्त यहाँ पर ब्रेक करूँ।